नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, मेरे चैनल अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो गुलाब के पौधे की केयर के ऊपर है। गुलाब ऐसे ही पूरा साल फ्लावरिंग नहीं करता है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो चाहिए। अगर मैं आप लोगों से ये चीज़ बोल दूं कि आप ये खाद या वो खाद डाल दीजिए तो ये बहुत सारे फूल निकालेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इससे अच्छा मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसकी केयर कैसे की जाती है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, तभी आप इसकी केयर कर पाएंगे और तभी आप इससे बहुत सारे फ्लावर ले पाएंगे। नर्सरी में जो प्लांट आते हैं वो आपको कभी भी हेल्दी नहीं मिलेंगे। नर्सरी वाले उसमें यूरिया और डीएपी डाल के उससे केवल फूल लेते हैं, जिससे उनका प्लांट बिक जाए। प्लांट पहले हेल्दी होना चाहिए, प्लांट हेल्दी होगा तो वे अपने आप फ्लावरिंग करेगा। जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आएं, तो जो इसके फूल और कलियां हैं उसको आप नहीं काटेंगे, लेकिन जैसे ही फूल डल होना शुरू हो आप फूल को कट कर दो, वो भी नोड एरिया के थोड़ा ऊपर से। इसके पीछे कारण क्या है, जब भी कोई प्लांट फ्लावरिंग करता है तो वो अपनी सारी एनर्जी या ऊर्जा फूल को ही देता है। उस समय प्लांट में कोई नई ग्रोथ नहीं होती है, नई नई पत्तियां, नई नई ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। इसलिए नई ग्रोथ और ब्रांचेस के लिए हमें डल फ्लावर को नोड एरिया के ऊपर से कट कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा फ्लावर डल होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसको नोड एरिया के ऊपर से अभी कट कर दूंगा। ये तीन पत्तियों का सेट है, ये तीन पत्तियों का सेट है, और इसके नीचे ये तीन पत्तियां हैं, और इसके नीचे ये पांच पत्तियों का सेट है। मैं इस पांच पत्तियों के सेट के ऊपर से कट कर दूंगा और इसके ऊपर फंगिसाइड का पेस्ट लगा दूंगा। प्लांट से फूल को कट करने के बाद हमें उसी समय मिट्टी की गुड़ाई करनी है और अच्छी खाद देनी है, जो आपके पास उपलब्ध हो। वह खाद वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, गोबर की खाद हो सकती है, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो सकता है, या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हो सकता है। इनमें से जो भी खाद हो उसका आप प्रयोग करें। जब आप फूल काटेंगे और खाद देंगे, उसके करीब 20 से 25 दिन के बाद पौधे में कलियां दिखेंगी। गुलाब में जब हम कटिंग करते हैं तब यह प्लांट साइलेंट हो जाता है, ये धीरे धीरे फिर से ग्रोथ स्टार्ट करता है, उसके बाद इसमें कलियां आती हैं और फूल खिलता है। जब आपको अपने प्लांट में कलियां दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, उस स्टेज पे आपको कोई ना कोई लिक्विड टॉनिक देना है। आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हो, आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट का टी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी एक टॉनिक दे देंगे तो फूलों का साइज भी बड़ा होगा और फूल भी हेल्दी होगा। गुलाब को पानी कैसे देना है, अगर गुलाब के जड़ों के आसपास की मिट्टी सूख गई है तो इसकी पत्ती पीली होने लगती है, और अगर जड़ों के आसपास मिट्टी बहुत गीली है तो इसके पत्तों पर ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं। एक कंडीशन होती है कि मिट्टी गीली है, एक कंडीशन होती है कि मिट्टी सूखी है, इसके बीच की कंडीशन होती है कि मिट्टी में हल्की सी नमी है,
जो मिट्टी में हल्की सी नमी वाली कंडीशन है, हमें इसी स्थिति में गुलाब के पौधे को पानी देना है। गुलाब को आप जितनी धूप दे सकते हैं उतनी धूप दो, 10 घंटे दे दो, 8 घंटे दे दो, 6 घंटे दे दो, लेकिन कम से कम अच्छी फ्लावरिंग के लिए गुलाब को 4 घंटे की धूप तो ज़रूर दें। इस प्लांट में ज़्यादातर थ्रिप्स और माइट का अटैक देखने को मिलता है। थ्रिप्स और अन्य कीटों से बचाव के लिए आप एमीडा क्लोरोफिट का प्रयोग करें और माइट से बचाव के लिए ओमाइट नामक कीटनाशक का प्रयोग समय समय पर ज़रूर करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि गुलाब की जो मेन स्टेम होती है उसके आसपास छोटे छोटे नए पौधे निकल आते हैं। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, इसमें नया पौधा आ गया है। ये एक्चुअली एक वीड है, इसको जितनी जल्दी हटा दें उतना अच्छा है। ये वीड मेन प्लांट की सारी एनर्जी खींच लेता है और सही समय पर आप इस वीड को काट कर पौधे से अलग नहीं करेंगे तो आपको आपका गुलाब का पौधा ख़राब हो सकता है। दोस्तों ये देखिए, ये इसकी मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच के नीचे से इसमें ये जंगली गुलाब निकल रहा है, इसको हम पौधे से काट कर अलग कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।